धनबाद के केंद्रवाडी थाना क्षेत्र के गोधर 6 नंबर पांखा घर के पास तेज हवा के साथ गोफ बनने से लोगों में हड़कंप मच गया है। 40 फीट का बड़ा गोफ बन गया है और गोफ से जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया है। सूचना पाकर BCCL अधिकारी मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों में प्रबंधक के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें कि गोधर 6 नंबर और 3 नंबर में लगातार भूधसान की घटनाएं घट रही है। बरसात के दिनों में अग्र प्रभावित क्षेत्रों में अक्सर भूधसान जैसी घटनाएं होती है। यहाँ पे लगातार भूधसान जैसी घटना हो रही है। गोधर 6 नंबर है ना, उधर 6 नंबर में लगातार हो रही है इस तरह पे। क्या अभी तक विशाल प्रबंधक ने क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, यह घटना पूर्व में भी हो चुकी है, ठीक है, और उस समय में इससे बड़ा गोफ हुआ था। और आनंद फानन में जो BCCL प्रबंधक, इसको बालू से स्टोरिंग करके झांक किया गया, और उसके बाद में कभी भी BCCL ने पहल नहीं किया गया कि यहाँ पे हम बात करें इस मुद्दे को लेकर के, कभी भी नहीं। और ये आज का दूसरा घटना है। आज क्या आवाज के साथ हुई है? ये आवाज जैसा दिख रहा है कि संभवता है कि आवाज के साथ ही हुआ है। तो कहने का मतलब है कि BCCL नहीं चाहती है यहाँ पे कि यहाँ के ग्रामीणों, यहाँ का आदिवासी या मूल वासियों को जो है कि रहा जाए। ये पूरा जगह रैयत प्लॉट है और हम लोग जो है कि रैयतदार हैं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं BCCL का एक मंशा है कि इसको नया डी कुसुंडा, जो आज से पूर्व में कई साल पहले हुआ था, इसको धंसा करके